आज कोरोना के पेंडेमिक के टाइम पे दुनिया में दो टाइप के लोग हैं, एक जिन्होंने ऑलरेडी वैक्सीन लगवा लिया है और दूसरे जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लगवाया है। अब जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है उनकी ये कन्फ्यूजन है कि अभी कोविशील्ड, कोवैक्सीन या तो स्पुटनिक वी जैसे काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आखिर कौन सी वैक्सीन लगवाए। और जिन्होंने लगवा लिया उनकी ये कन्फ्यूजन है कि क्या हमने जो वैक्सीन लगवाया वो डिसीजन हमारा सही था या नहीं। तो आज के वीडियो में मैं दूर करूँगा ये कन्फ्यूजन और बात करूँगा कि ये जो तीनों वैक्सीन है उसकी एफिकेसी कितनी है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है और उनके दो डोज के बीच में कितना इंटरवल हमको रखना चाहिए। तो जानेंगे ये सब कुछ और बहुत कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा और बिना देरी के करते हैं शुरुआत। जब वैक्सीन की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल सबके दिमाग में यही आता है कि कौन से वैक्सीन की कितनी इफेक्टिवनेस है, मतलब कि कौन सा वैक्सीन है जो ज़्यादा प्रभावी है और या तो कौन सा वैक्सीन है जो इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा स्पुटनिक वी की, जो रशियन वैक्सीन है, उनकी एफिकेसी मतलब उनकी प्रभावी क्षमता जो है वो 91% है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च स्पुटनिक वी इज 91% इफेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज़, जो कोरोना के हिसाब से जो डिजीज़ की सीवियरिटी होती है उसको वो 91% तक कम कर सकती है और वो सबसे इफ़ेक्टिव मानी जाती है आज की तारीख में। अब बात करते हैं दूसरी वैक्सीन, जो कोवैक्सीन है, जो प्योरली इंडियन मेड वैक्सीन है, भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई। कोवैक्सीन की एफिकेसी मतलब कि उनकी प्रभावी क्षमता जो है वो 81% है। लेकिन सबसे बड़ी बात कोवैक्सीन के लेकर ये है कि कोवैक्सीन जो है वो यूके वेरिएंट और इंडिया के जो अलग अलग वेरिएंट है आज की कोरोना की सेकेंड वेव के टाइम पे, जो उसके अलग अलग वेरिएंट पाए जाते हैं उसके खिलाफ कोवैक्सीन को ज़्यादा असरकारक पाया गया है स्टडीज़ में। तो ये कोवैक्सीन का एक अच्छा पॉइंट है। अब जो सबसे कॉमन वैक्सीन जो लगवाई जाती है कोविशील्ड, जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने अपने इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा पार्टनरशिप करके जो डेवलप की है, वो कोविशील्ड वैक्सीन है, उसकी एफिकेसी है 70%, यानी कि 70%। मतलब कि अगर किसी को कोरोना होने का इन्फेक्शन है या तो चांसेस है तो वो 70% तक कोविशील्ड कम करता है। लेकिन इसमें और एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि अगर जो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज वैक्सीन का है उसके बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ाया जाए, मतलब कि कोविशील्ड के फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज का जो डिस्टेंस है अगर वो हम ज़्यादा रखें, जो अभी हाल की गाइडलाइंस के हिसाब से 12 हफ्ते का सजेस्ट किया गया है, तो कोविशील्ड की एफिकेसी है वो 70% से बढ़कर 90% तक, यानी कि 90% तक पाई गई है, कि जो बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है कोविशील्ड को लेके। तो अगर कोविशील्ड कोई लगवा रहा है तो उसका सेकेंड डोज का डिस्टेंस है हमको बढ़ा देना चाहिए कि जिससे उसकी एफिकेसी मतलब कि उसकी प्रभावी क्षमता को हम और ज़्यादा असरकारक बना सकें। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हेल्थ के रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अब बात करेंगे कि आखिर ये सब वैक्सीन्स काम कैसे करती है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कोविशील्ड है या तो स्पुटनिक वी है, वो एक ऐसे प्रकार की वैक्सीन है कि जिसमें वायरस को इनएक्टिव करके उसके एक हिस्से को, यानी कि उसके एक स्पाइक प्रोटीन को हमारे शरीर के अंदर दाखिल किया जाता है। और अगर जो बात करूंगा कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन एक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से बनी है कि जिसमें जो वायरस है उसको पूरी तरह से ख़त्म करके, यानी कि डेड वायरस को डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर एडमिट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही वायरस या तो एक भाषा में कहे तो फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर आता है तो अपना इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो बेसिकली वैक्सीन क्या करता है, वैक्सीन जब लगवाया जाता है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रेरित करता है नए नए एंटीबॉडीज बनाने के लिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोरोना का इन्फेक्शन हो तो हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो एंटीबॉडीज के साथ उसका सामना करने के लिए। तो बेसिकली जैसे ही वैक्सीन लगता है एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइड इफेक्ट्स, कि ये सब वैक्सीन्स के आखिर क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इन जनरल मैं बताना चाहूँगा कि बहुत हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस वैक्सीन लगवाने से नहीं होता है। अगर बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की तो दो टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स यूजुअली पाया जाता है। एक जो जहाँ पे वैक्सीन लगवाया है वो इंजेक्शन साइट है उसके रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट, और दूसरे जो जनरल बॉडी का रिस्पॉन्स है इम्यूनिटी का उसको लेके जो साइड इफ़ेक्ट्स पाया जाते हैं। तो जहाँ पे इंजेक्शन लगवाते हैं वहाँ
वहाँ पे वो साइट पे दर्द होना वो कॉमनली पाया गया है, जो एक दो दिन या तो ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन दिन तक रहता है। तो थोड़ा दर्द इंजेक्शन साइट पे एक ये साइड इफेक्ट है। अब बात करते हैं जनरल बॉडी के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद। तो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है माइल्ड टू मॉडरेट फीवर, यानी कि बुखार का आना, कि जो एक दो दिन के लिए या तो दो चार दिन के लिए बुखार का आना इज़ ए वेरी कॉमन साइड इफेक्ट। उसके साथ और क्या पाया जा सकता है, तो नोजिया और वॉमिटिंग, या तो किसी किसी को राशिश यानी कि खुजली होने की प्रॉब्लम, या तो शरीर में कमजोरी मतलब कि वीकनेस का आना। कमजोरी या तो वीकनेस एक कॉमन साइड इफेक्ट है जो काफ़ी सारे लोगों में देखा जाता है। और उसके साथ बॉडी एक्स यानी कि पूरे शरीर में हल्का सा दर्द होना, ये सारे कॉमन साइड इफेक्ट्स है। अब ये जो साइड इफेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो डॉक्यूमेंटेड साइड इफेक्ट्स यानी कि रिसर्च के अनुसार ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा कतई नहीं है कि हर किसी लोगों में कि जो वैक्सीन लेते हैं उसमें ये साइड इफेक्ट्स पाए जाए, यानी कि सब किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर साइड इफेक्ट्स आते हैं तो ये हल्के साइड इफेक्ट्स है जो पाए जा सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स है कि जिसमें वैक्सीन लेने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं पाए गए हैं। अब बात करते हैं कि वैक्सीन्स के क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, माने कि कौन से पेशेंट्स हैं जिसमें ये वैक्सीन लेने की सलाह नहीं दी जाती है। तो खास करके जो पेशेंट्स को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही लो है, उनको ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ ही जिस पेशेंट को फर्स्ट डोज लगवाते ही बहुत मेजर एलर्जिक रिएक्शन या तो एलर्जी की तकलीफ हुई थी, वो पेशेंट्स को इसका सेकेंड डोज नहीं लगवाना चाहिए। खास करके जो पेशेंट्स ब्लड थिनर्स पे यानी कि लंबे अरसे से कोई भी कार्डियक या तो दूसरे कोई भी इश्यू के कारणों से अगर खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, तो उन लोगों को ये कोवैक्सीन या तो दूसरी जो वैक्सीन है वो लगवाने की सलाह नहीं दी जाती है। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है, उनको ये वैक्सीन लगवाने की सलाह नहीं दी जाती है। इसके साथ एक बहुत लंबे अरसे से डिबेट चल रही थी। पहले ये माना जाता था कि जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स यानी कि जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती है उनको ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स है उनमें ये वैक्सीन लेना बिल्कुल ही सेफ है और वो लोग ये वैक्सीन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि डोज इंटरवल यानी कि वैक्सीन के फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में कितना अंतर रखना चाहिए। तो कोविशील्ड की अगर बात करें तो उसके दो डोज के बीच में अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से 12 वीक्स यानी कि 12 हफ्तों का डिस्टेंस रखना चाहिए। जिससे क्या फ़ायदा होता है, कोविशील्ड की जो इफेक्ट है जो एफिकेसी है वो 90% तक बढ़ जाती है। इसलिए कोविशील्ड के दो डोज के बीच में 12 वीक्स और कोवैक्सीन के लिए दो डोज के बीच में 4 to 6 weeks यानी कि 4 to 6 हफ्ते का डिस्टेंस रखना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है। और लास्ट में जो स्पुटनिक वी है उसमें ये डोज इंटरवल काफ़ी कम है, यानी कि स्पुटनिक वी के फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में खाली 21 डेज का इंटरवल है, इफेक्टिव माना गया है। अब बात करते हैं कि अगर किसी को हाल ही में कोविड हुआ है यानी कि कोरोना हुआ है तो वो लोग कितने दिनों बाद वैक्सीन ले सकते हैं। तो इसकी जो गवर्नमेंट की लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसका एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। तो खास करके अगर आपको वो क्वेश्चन है तो ये वीडियो आप चेक कर सकते हैं कि जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा। नाउ इट्स टाइम फॉर मिलियन डॉलर क्वेश्चन। हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि कौन सी वैक्सीन हमको लगवानी चाहिए या तो कौन सी वैक्सीन बेहतर है। फ्रेंड्स, अगर लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च की माने तो सारे की सारी जो वैक्सीन्स उपलब्ध है उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हाई है। मतलब कि कोई भी अगर आप वैक्सीन लगाओ तो वो लगवाना सेफ भी है, और जितने भी रिसर्च का डेटा हमारे पास है उसमें ये पाया गया है कि ये जो तीनों ऑप्शंस है वैक्सीन के वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है कोविड के अगेंस्ट। तो आपके एरिया में जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आप अपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वैक्सीन उपलब्ध कराया जाता है वो आपके लिए लगवाना ठीक ही रहेगा। तो ये कन्फ्यूजन में मत पड़िए और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो जाइए। आजकल इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक क्वेश्चन हर कोई पूछता है कि कोरोना की ये सेकेंड वेव के बाद
अब तो बस हो गई है, कब जाने ये पेंडेमिक खत्म होगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसका आंसर हमको हमारे इतिहास में से मिलता है। अगर इतिहास में हम गौर करके देखें तो इसके पहले भी काफ़ी सारे रोग है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में थे और कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, जैसे कि स्मॉल पॉक्स है या तो पोलियो है कि जिसका एक वैक्सीनेशन कैंपेन हमारे इंडिया में अभी तक चलता था। तो ये सब रोगों में कंट्रोल कब आया था, तभी हम कंट्रोल में लेके आ पाए थे कि जब इसको काफ़ी सालों से वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया और हर किसी ने पोलियो के अगेंस्ट की वैक्सीन ले ली थी। तो आज जाके हम बोल सकते हैं कि पोलियो इज ऑलमोस्ट अंडर आवर कंट्रोल और पैसे नाबूद हो गया है। तो इसका भी आंसर सेम ही है कि बहुत जल्दी से जल्दी सब लोग वैक्सीनेशन लगवाए और जितना जल्दी हम हर किसी को वैक्सीनेट कर पाएंगे उतना ही जल्दी हम कोरोना के खिलाफ कंट्रोल लेने में और ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे और पूरा देश और दुनिया कोरोना के पेंडेमिक में जल्दी से जल्दी बाहर आ पाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वैक्सीन के रिलेटेड हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। और वैक्सीन से रिलेटेड या तो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। एंड दिस इज डॉक्टर मितुल सोजित्रा साइनिंग ऑफ।